अस्सलाम वालेकुम। आज का स्टूडेंट्स यूनियन का ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, इसका टॉपिक तलबा यूनियन ने रखा है रोल ऑफ यूथ इन कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब नौजवानों का क्या रोल होना चाहिए मौजूदा सियासी हालात में। अभी दो तीन दिन पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में था, पीछे से वकील हूं तो सुप्रीम कोर्ट में था, तो मेरे एक कजिन है उस्मान गनी खान, शायद पुराने लोग जानते होंगे, अलीगढ़ से उनका ताल्लुक है, उनको तो नहीं, उनके जगह डॉक्टर आईजी खान साहब मरहूम हिस्ट्री डिपार्टमेंट में सीनियर लीडर थे, तो मुझसे कहने लगे आप सुलेमान भाई अलीगढ़ बहुत कम आते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती है और आते नहीं है, यही कोर्ट में मुलाकात होती है। तो मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूं 3 तारीख को, तो स्टूडेंट्स यूनियन ने एक प्रोग्राम रखा है, तो उन्होंने कहा अच्छा क्या टॉपिक है उसका, तो मैंने बताया ये है कि नौजवानों का क्या रोल होना चाहिए मौजूदा सियासी हालात में। तो हंस के उस्मान मुझसे कहने लगा कि सुलेमान भाई हर साल यही टॉपिक होता है। तो मैंने सोचा और मैंने कहा हाँ यार कह तो तुम सही रहो, मैं 2006-07 में यूनियन का ऑनरेरी सेक्रेटरी था और तब भी यही टॉपिक था, 10-11 साल पहले ऑफिस लीडरशिप का कई बार यही टॉपिक होता था। और उसके बाद मेरा भी केस आने लगा बोर्ड पे कोर्ट में और उनका भी आने लगा, तो हम दोनों चले गए। शाम को जब मैं घर गया तो मैं सोचने लगा कि ये टॉपिक तो होता है लेकिन इस टॉपिक की बड़ी अहमियत है इसका, और ये बहुत अहम टॉपिक है। नौजवानों का हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को या नैरेटिव को तय करने में, और तारीख इस बात की गवाह है। दुनिया भर में जहां भी कोई रेवोल्यूशन आया है, कोई इंकलाब आया है, तो नौजवानों ने उसमें सबसे पहली सपने नौजवान ही रहे हैं और उन्होंने ही फ्यूचर को तय किया है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, चाहे हमारा फ्रीडम मूवमेंट हो या उसके अलावा जो भी मूवमेंट चले। और जब हमारे मुल्क में मैं समझता हूं 65-70% पॉपुलेशन 35 साल या 40 साल से कम उम्र की हो, तो आप ये समझिए हमारा मुल्क एक नौजवान मुल्क है। मैं ये भी नहीं कहता कि बुजुर्गों की है अहमियत नहीं है, बुजुर्गों के एक्सपीरियंस की, उनकी राय की, उनके डायरेक्शन की हमें बहुत जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स और नैरेटिव हमारे मुल्क में क्योंकि नौजवान मुल्क है तो यूथ ही तय करेंगे, नौजवान ही तय करेंगे। अब क्योंकि आज मैं तलबा यूनियन के स्टेज से बोल रहा हूं और पूरी यूनियन अहदेदारान प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कैबिनेट मेंबर्स सब मौजूद है स्टेज पे और तारीखी यूनियन है हमारी, मैं समझता हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की या पॉलिटिकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन की, यूनियन को इसमें लीड लेना चाहिए, ये उनकी जरूरत ही नहीं है सिर्फ, ये जिम्मेदारी है, बहुत अहम जिम्मेदारी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत अहम जिम्मेदारी है क्योंकि हम सब जानते हैं दैट वी आर लिविंग इन डेंजरस टाइम्स, हम बुरे दौर में जी रहे, ये सच्चाई है। जहां हमें बताया जाए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है, आप किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, आप अगर टेलीफोन के लिए भी किसी से बात करेंगे तो ये शुभ है कि मेरी बात कोई एजेंसी रिकॉर्ड कर लेगी। वी आर लिविंग इन डेंजरस टाइम्स, हम बुरे दौर में जी रहे हैं। तो तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्योंकि बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की बहुत ही अहम जिम्मेदारी है कि इसको लीड कर मुश्किल सवाल पूछे सरकारों से, जो सरकारें इख्तदार में हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी की जिन सूबों में, अब तो 12 हमारी 4 सूबों में ही सरकार है, तो कांग्रेस पार्टी से कितनी बुरा वक्त आता है भाई, ये तरीकेकार है दुनिया का,
और मैं समझता हूं जमहूरी निजाम के लिए भी अच्छा है। मुस्तकिल और मुसलसल अगर आप रहे इक्तदार में गवर्नेंस में तो अकाउंटेबिलिटी आप भूल जाते हैं कि हम अकाउंटेबल भी हैं आवाम को। तो आप सरकारों से सवाल पूछें, तलबा यूनियन सरकारों से सवाल पूछे, मुश्किल सवाल पूछे, पूछे कि हमने आपको क्यों चुना था। हमने देखा पिछले 3-4 साल में जो एक्टिविस्ट थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो रैशनलिस्ट थे, जिन्होंने सरकार की एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट है, एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट के से सवाल पूछे, कुछ रैशनलिस्ट थे, कुछ लेफ्टिस्ट थे, जैसे उनका कत्ल हुआ बड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, नरेंद्र दाभोलकर नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर हुआ, वो राइट विंग के खिलाफ लिखते थे लगातार और एक्टिविस्ट थे उसके खिलाफ, इनकी विचारधारा के खिलाफ। उसके बाद गोविंद पंसारे का कत्ल हुआ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कहा कि दोनों के मर्डर्स में सिमिलैरिटी है, सिमिलर मॉडस ऑपरेंडाय है। उसके बाद एमएम कलबुर्गी का मर्डर हुआ और अभी 4-5 महीने पहले गौरी लंकेश का मर्डर। ऑल फोर हैव अ कॉमन थिंकिंग और अ कॉमन अपोनेंट, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट एन आइडियोलॉजी विच वॉज कंप्लीटली हेल्पिंग टू डोमिनेट एंड डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द कंट्री नेम इंडिया। ये चारों लोग उस आइडिया को बचाना चाहते थे, सेक्युलरिज्म को बचाना चाहते थे, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहते थे, चारों का मतलब। नजीब जेएनयू में पढ़ता था, गालिबन 1.25 साल से भी शायद ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया, अक्टूबर 2016 में वो गायब हुआ, आज तक नहीं मिल पाया। उसके भी इत्तेफाक से कोई झगड़ा हुआ था एबीवीपी के लोगों से जेएनयू में और उसके बाद वो गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। रोहित वेमुला ने राइट विंग के खिलाफ आवाज उठाई हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उसकी पहले तो स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई और उसके बाद उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया और गरज यह कि वो उसने खुदकुशी कर ली, मजबूर किया गया उसे खुदकुशी करने। तो यूनियन के साथ साथ जिस दौर में अगर आप सवाल पूछें तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जो लोग सवाल पूछते हैं उनका एक एक करके कत्ल हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ यूनियन की नहीं, हर स्टूडेंट की और जो नौजवान है सबकी जिम्मेदारी है कि आप सवाल पूछें। अभी तमाम लोगों ने तकरीर करी, फरूख ने, शहजाद ने और तमाम लोगों ने तकरीर करी, ज्यादातर लोगों की मैंने देखा तकरीर में एक कॉमन बात थी, कोई मुजफ्फरनगर की बात कर रहा था, कोई हाशिमपुरा की बात कर रहा था और मुख्तलिफ कम्युनल डिसहार्मनी की बात हो रही थी, जो तासुबी फसादात होते हैं उसकी बात हो रही थी। अभी आप देखिए गुजरात में इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने इलेक्शन था। कांग्रेस पार्टी ने उस इलेक्शन को, क्योंकि हम जानते थे कि ये इलेक्शन हम किससे लड़ रहे हैं, वो उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं था। लगातार 20 साल से वो गुजरात स्टेट असेंबली को रूल कर रहे हैं, उनके सामने मुश्किल सवाल थे, तो हम जानते थे कि वो पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। और जब कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश करी अवॉइड करने की कम्युनल पोलराइजेशन की, तो प्राइम मिनिस्टर ने, मुल्क के प्रधानमंत्री ने, साबित प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, साबित नायब सदर और हमारे साबित वाइस चांसलर अहमद अंसारी साहब और साबित आर्मी के चीफ दीपक कपूर साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया है तकरीर में, जो आप जानते होंगे कि मनीष शंकर अय्यर जी के घर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये प्लान बना कि किस तरह से, और उसमें पाकिस्तान के साबित फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे और हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के, और उसमें यह तय हुआ, ये प्लान बना कि किस तरह से गुजरात का इलेक्शन कांग्रेस को जिताया जाए और अहमद पटेल साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। सरासर झूठ। इसके पीछे सिर्फ एक नियम,
मुसलमानों को यह दिखाना कि वो पाकिस्तान के साथ। मैं तो सवाल यह भी पूछता हूं कि अहमद पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुल्क के प्रधानमंत्री अगर इतने हाई लेवल का कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी इस तरह की बात करने लगे, और उसके बाद राज्यसभा में जब हमने अभी विंटर सेशन में दिसंबर एंड में और जनवरी के पहले हफ्ते में इस सवाल को उठाया, तो लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली ने यह कहा, रिटर्न में स्टेटमेंट दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि हमें कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट या फॉर्मर आर्मी चीफ पर कोई शक और शुबा नहीं है और हमें उन पर पूरा भरोसा। लेकिन चुनाव में उन्होंने बात, वो ये चाहते हैं कि कम्युनल बात हो, अगर आप नहीं करेंगे कम्युनल बात तो खुद से करने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस बात को अवॉइड करना चाहिए इस मौजूदा दौर में, और सवाल आप अपने से मुताबिक पूछिए। यह भी अहम सवाल है कि जो गौ रक्षा के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, गाय के जबीहे की अफवाह पे इंसान को मार दिया जाता है, लव जिहाद के नाम पे जला दिया जाता है, यह भी अहम सवाल है। कासगंज भी एक सवाल है, मुजफ्फरनगर भी सवाल है, और हाशिमपुरा भी सवाल है, गुजरात भी सवाल है, ये सब सवाल है और ये पूछे जाना चाहिए। लेकिन सरकारें इलेक्ट होती हैं मैनिफेस्टो पे, एजेंडे पे, डेवलपमेंट के प्रोमिसेस, वो सवाल पीछे रह जाते हैं। जब कम्युनल डिस्कोर्स शुरू हो जाता है, कम्युनल पोलराइजेशन या रिलीजियस पोलराइजेशन नैरेटिव शुरू हो जाता है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह सरकारों को चुना जाता है वो पीछे रह जाता है। सवाल पूछिए, हर एक आप में से सवाल पूछिए। बुरा दौर है, सिर्फ यूनियन पे सारी तलबा यूनियन पे सारी जिम्मेदारी मत डाली, और अब आपको हर किसी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है। आप ये सवाल पूछिए कि मोदी जी, मैं मोदी जी नहीं कहूंगा, मुल्क की सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप ये सवाल पूछिए कि आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो 4 साल में आपने 8 करोड़ नौकरियां दी। आपने किसानों से यह वादा किया था कि आपकी जो एमएसपी है, एमएसपी प्लस 50% देंगे, तो किसानों का कितना डिस्ट्रेस है, सुसाइड कर रहे हैं किसान। आपने उनकी हाल को, जो बदहाल है उनके हाल को बेहतर किया, अच्छे दिन आए। आपने कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की जबान में जवाब देंगे, चाइना से ला ला करके बात करेंगे। आपको मालूम है मेरे पास जून 2017 तक का डेटा है, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जब 3 साल पूरे किए थे इस सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 3 साल में कश्मीर बॉर्डर से जो टेररिज्म आया है, जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, 12 मेजर टेररिस्ट अटैक हुए हैं कश्मीर में, उधमपुर, गुरदासपुर, उरी, पांपोर, इस तरह 12 बड़े अटैक हुए, 200 से ज्यादा हमारे फौजी मारे जा चुके, 100 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके, 1343 सीज फायर वायलेशन हुए। तो हम जब ये बोलते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस के वक्त में कोई और सरकार रही है, उसके वक्त में क्या कभी टेरर अटैक्स होते नहीं थे या सीज फायर वायलेशन होता नहीं, ये तो आम बात है। तो हमने डाटा दिया उन्हें 2011 से 14 तक का, जो आखिरी दौर था यूपीए 2 का, कांग्रेस की सरकार का। तो जब कंपेयर किया तो जो ये 3 साल की मौजूदा सरकार है इससे और कांग्रेस के लास्ट के 3 सालों का जब कंपेरिजन हुआ तो 4 टाइम्स है। उन पिछले 3 सालों में 11 से 14 तक 1/4 थे, जबकि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, वो कहते हैं हम सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, हर किसी से सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आप सवाल पूछिए उनसे, नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए उनसे अपनी नौकरियों पे, किसानों पे सवाल पूछिए। और देखिए मीडिया का बहुत अहम रोल है इसका, वो पॉलिटिकल नैरेटिव तय कर रहे हैं पूरे मुल्क में। शाम को जो इतना मुद्दा अहम नहीं होता है या जो अहम मुद्दा होता है उसे शाम को चलना चाहिए 24/7 न्यूज चैनल की एरा में, वो शाम को नहीं चलता है। कुछ तो चैनल ऐसे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं कि उनके पास कोई सरकार की कमी होती है, फेलियर होता है उस दिन, या सरकार की फजीहत हुई होती है कहीं, तो कुछ नहीं होता है तो एकदम कोई पुराना हाफिज सईद का चलाना शुरू कर देते हैं वीडियो, और उससे कहते हैं नेशनलिज्म है और ये सरकार नेशनलिस्ट सरकार है। तो मीडिया बिल्कुल नैरेटिव तय करती है,
मीडिया का ज्यादातर हिस्सा सरकार की चापलूसी कर रहा है, मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में। बहुत कम चैनल या बहुत कम जर्नलिस्ट बचे हैं जो वाकई में सहाफत कर रहे हैं, नहीं तो सहाफत नहीं कर रहे वो दलाली कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया। तो आपके पास प्लेटफॉर्म है और आप मीडिया पे, मुझे एक बात याद आई, एक जमाने में बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं समझता हूं देर हो रही है लेकिन इम्पोर्टेंट है और क्योंकि वो इस प्रेजेंट सिनेरियो से सिमिलर इसी तरह एक वाक्य हिस्ट्री में हुआ है। 1933 में एडॉल्फ हिटलर चांसलर ऑफ जर्मनी बने और वो इख्तदार में, उन्होंने एक मिनिस्ट्री कायम करी, प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री, जो सरकार कभी प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री आपने नहीं सुनी होगी, एडॉल्फ हिटलर की दौरे हुकूमत में प्रोपोगेंडा मिनिस्ट्री थी और उन्होंने उसका मिनिस्टर बनाया अपने बहुत खास और ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट को, बहुत खास आदमी थे उनके, जोसेफ गोएबेल्स, वो प्रोपोगेंडा मिनिस्टर बने। उनका काम यह था कि सरकार की सिर्फ रोजी पिक्चर दिखाए कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार आउटस्टैंडिंग है। शुरू में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी की और सरकार की वाह वाह, उस जमाने में इतना मीडिया का था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तो आज जैसा माहौल है सोशल मीडिया, उस जमाने में रेडियो होता था और चंद अखबार होते थे जर्मनी या यूरोप, तो रेडियो पे एडॉल्फ हिटलर अपनी बात कहा करते थे लोगों से, जैसे अभी मौजूदा प्रधानमंत्री कहते हैं। खैर उनका तरीका है, मेरा उनका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं, कोई किसी को फॉलो करे। वो 12 साल तक सरकार रही, 1933 से 1945 तक, और वो यही बताते रहे कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जर्मनी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, गुड टाइम्स आर कमिंग और गुड टाइम्स आर राइट नाउ एट प्रेजेंट आर इन गुड टाइम्स, वो ये कहते रहे और मीडिया उनका पूरा साथ देती रही। जोसेफ गोएबेल्स ने मेक श्योर किया कि मीडिया को कैप्चर करके रखे, डोमिनेट करके। इसी तरह से पिछले 3.5 साल में आप ये सवाल पूछिए कि न्यूज चैनल्स के कौन कॉर्पोरेट हाउसेस मालिक है और कौन मालिक है कॉर्पोरेट हाउसेस के और उनको क्या फायदा मिल रहा है, मीडिया नैरेटिव तय करती है, आप ये भी सवाल पूछिए और रोज अपने मतलब का एक सवाल पूछिए जिससे जो प्रॉमिसेस किए थे उन्होंने, क्योंकि इस अहम दौर में आपके लिए ये बहुत अहम रोल है। और जो सियासी फील्ड में है या सियासत में है उनको लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन नौजवान सवाल पूछते रहे, अपनी ताकत को समझे। ज्यादा अपनी बात को मैं फौरन छोटा करता हूं और आप लोगों की नजर एक बड़ा मशहूर करी अल्लामा इकबाल साहब का शेर है और उसकी कॉन्सेप्ट को भी समझिए, उसकी फिलॉसफी को भी समझिए। वो शेर नहीं है मेरे लिए तो बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर लिखा था, क्या पूरी नज्म है, दो चार अशआर में पढ़ूंगा और वो आपकी नजर है, शेर को समझिएगा कमरे पे, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, कमरे पे जाके अपने उसको समझिएगा। उन्होंने अपने बेटे के नाम एक खत लिखा था और उस खत में ये नज्म लिखी थी, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, सुकूत लालाए गुल से कलाम पैदा कर। मेरा करीब अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपनी खुदी ना बेची, अपनी ताकत को समझिए और इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है उसको समझिए और अपने पोटेंशियल को समझिए। आप में बहुत ताकत है, जहां बैठे हैं वहां पे भी और जब आप यहां से निकलेंगे तब भी। तो आप सवाल पूछते रहिए, आपका अहम रोल है। मैं फिर कहूंगा, वी आर लिविंग इन डेंजरस टाइम्स, यू हैव टू एजुकेट।